अगर आप कनाडा में जाना चाहते हो तो उससे पहले आपके लिए आज के वीडियो एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। Canada is growing faster than comparable countries. If there isn't a plan for where to house them, then why bring them into the country, especially Ontario? एक्चुअल में ना 6 दिन पहले ऐसे आर्टिकल्स काफी ज्यादा ट्रेंड में थे जिसमें कनाडा के आज के इकोनॉमी की स्थिति के पीछे हम सब इमिग्रेंट्स को दोषी ठहराया जा रहा है। और हमें पता है कि कनाडा में सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स भारत से जाते हैं, बट अगर आपने डीप डाउन जाकर रीड किया तो आपको पता चलेगा कि असली दोषी इमिग्रेंट्स नहीं, बल्कि जब खुद के सिस्टम में फॉल्ट हो तो दोष दूसरों को नहीं देना चाहिए। बताऊंगी कैसे आगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात मैं नहीं बल्कि खुद नेशनल बैंक ऑफ कनाडा ने कही है कि कनाडा आज ऐसे पॉपुलेशन ट्रैप में फंस चुका है अपनी इकोनॉमी को बचाने के चक्कर में। मतलब ये कि देश की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है बट वहाँ पर कोई भी प्रॉपर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम पर बुरा असर पड़ रहा है जिससे रेंट बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए नैनोस रिसर्च एजेंसी के मुताबिक ओटावा में रहने वाले 61% लोग चाहते हैं कि कम इमिग्रेंट्स को देश में अलाउ किया जाए। पर 2015 में जब से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम बने, उन्होंने हमेशा हर साल इमिग्रेशन टारगेट्स को बढ़ाया ही है, जैसे कि 2025 तक 500,000 इमिग्रेंट्स को परमानेंट रेजिडेंट्स बनाया जाएगा। पर दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या इमिग्रेंट सच में प्रॉब्लम है या फिर कनाडा की सरकार के खुद की गलती है जिसका दोष हम सब इमिग्रेंट्स पर डाला जा रहा है? इसको समझेंगे हम डिटेल में इन 3 पॉइंट से। नंबर 1, राइजिंग सीनियर सिटीजंस। सीनियर सिटीजंस की बढ़ रही पॉपुलेशन ना किसी भी देश के इकोनॉमी को गिरा सकती है। अगर वहाँ पर यंगस्टर्स ही नहीं होंगे, मतलब यंग वर्कफोर्स कम होगी, तो उससे अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी गिरेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि ना 1970s में जब कनाडा में 7 वर्कर्स में एक सीनियर था, आज यही प्रोडक्टिव नंबर गिर के 3 वर्कर्स अगेंस्ट 1 सीनियर हो चुका है। इसीलिए ना बैंक ऑफ कनाडा के डिप्टी जनरल ने खुद ही बात एक्सप्लेन की है कि इकोनॉमिक ग्रोथ 3 पिलर्स पर डिपेंड करती है, कैपिटल, प्रोडक्टिविटी, लेबर। इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि आपको चिकन काफी अच्छा बनाना आता है, तो आप ना अपना एक चिकन स्टॉल शुरू करते हो जो कि काफी अच्छा खासा चलना शुरू हो जाता है। अब इसको बड़ा करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, थ्रू कैपिटल, मतलब आप अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हो, एक नया स्टॉल शुरू करते हो किसी दूसरी लोकेशन में। सेकेंड, थ्रू प्रोडक्टिविटी, इसमें आप ऐसे न्यू गैजेट्स का इस्तेमाल करते हो जिससे ना कुछ ही समय के अंदर अंदर ज्यादा से ज्यादा फूड प्रिपेयर किया जा सके। नंबर 3, थ्रू लेबर सप्लाई, इसमें आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को भी ना इसी धंधे में लगा देते हो ताकि बिजनेस को बड़ा किया जा सके। सो कनाडा की जो करंट सिचुएशन है ना, वो 3rd पिलर जैसी है। मतलब ये कि हर साल ना ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेंट्स को बुलाया जाता है ताकि वो कनाडा की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सके, क्योंकि हर 5 कैनेडियन में से 1 आज रिटायरमेंट की तादाद पर है, पर फिर भी हम सब इमिग्रेंट्स को ही दोषी माना जाता है। इसी पर मार्क मिलर, जो कि मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन रिफ्यूजी सिटीजनशिप, और माइक मॉफर्ट जो कि बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर है, उनका मानना है कि इसमें इमिग्रेंट्स का कोई दोष नहीं है बल्कि इसमें सरकार का ही दोष है, क्योंकि 2013 से 2023 तक 13.5 मिलियन से 15.3 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। अब गेस करिए उनके लिए कितने घर बनाए होंगे? सिर्फ 7 लाख घर। जब वहां पर रहने के लिए स्टूडेंट्स के सिर पर छत नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली रेंट 6 महीने के न्यू पीक्स को तो सेट करेगा ही। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का कहना है कि कनाडा की हाउसिंग मार्केट आज G7 कंट्रीज में से सबसे ज्यादा महंगी है। नंबर 2, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 2022 में जब कनाडा में इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई, ऑल टाइम हाई पर थी, तो समय 4 में से 3 कैनेडियंस के लिए अपने डेली एक्सपेंस को अफोर्ड करना तक मुश्किल हो गया था, क्योंकि उस समय एक नॉर्मल पास्ता का प्राइस 44.8% ज्यादा था, जिसकी वजह से 44% कैनेडियंस के लिए अपने हाउस रेंट को पे करना, जो कि ना अनएक्सपेक्टेडली $500 हो गया था, पे करना काफी मुश्किल था, जिसको कंट्रोल करने के लिए ना बैंक ऑफ कनाडा ने
ओवरनाइट पॉलिसी रेट चेंज किए और इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल किया। बट अब सवाल आता है कि इन्फ्लेशन बढ़ा कैसे और कैसे पॉलिसी रेट को चेंज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। देखो, इन्फ्लेशन बढ़ने के ना दो कारण थे, नंबर वन ग्लोबल फोर्सेस और सेकेंड है डोमेस्टिक। ग्लोबल फोर्सेस जैसे COVID-19, रशिया यूक्रेन वॉर, उसकी वजह से ना कमोडिटी प्राइस काफी ज्यादा बढ़े थे। डोमेस्टिक रीजन ये था कि बिजनेसेस ने ना अपने एम्प्लॉयज को काफी ज्यादा ले ऑफ किया था, मतलब काफी एम्प्लॉयज को निकाला था। फिर जब सिचुएशन नॉर्मल हुई, नए एम्प्लॉयज को हायर करके उनको ट्रेन करने की जो कॉस्ट थी वो कंपनीज के लिए काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वही सेम हायर कॉस्ट बिजनेसेस ने हम सब कस्टमर्स को पास ऑन किया, इसलिए महंगाई बढ़ी। अब सेकेंड सवाल कि कैसे पॉलिसी रेट को चेंज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। देखो, जैसे ही बैंक ऑफ कैनेडा ने पॉलिसी रेट चेंज किए, वैसे ही बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो उसकी वजह से हम सब बिजनेसेस और नॉर्मल पब्लिक के लिए ना लोन लेना मुश्किल हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी इज वर्किंग टू कूल द इकॉनमी एंड रिलीव प्राइस प्रेशर्स। वी कैन नॉट लेट हाई इन्फ्लेशन बिकम एंट्रेंच्ड इन द इकॉनमी। फिर से इन्फ्लेशन रेट कम होके अभी करंटली कनाडा में 3.40% पर चल रहा है। बट रिमेम्बर, बैंक ऑफ कनाडा का कहना है कि उन्होंने ये टारगेट सेट किया हुआ है कि वो इन्फ्लेशन रेट को 2% पर लाकर ही रखेंगे, इसीलिए अभी पॉलिसी रेट जो है वो होल्ड करके रखे गए हैं। पर लॉरेंटियन बैंक ऑफ कनाडा के चीफ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अभी जैसे ही रेड सी पर शिपिंग कंटेनर्स पर अटैक चल रहे, उसकी वजह से फिर से कनाडा में सेकेंड इन्फ्लेशन वेव आ सकती है। अगर आपको ये डिटेल में समझना है कि रेड सी पर कौन अटैक कर रहा है, कैसे अटैक हो रहे हैं, कैसे महंगाई बढ़ेगी, तो मैंने ना एक रील में इसको कवर किया हुआ है, उसको जरूर चेकआउट करना। नंबर थर्ड, रेगुलेटरी फेलियर्स। कनाडा ना नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, क्योंकि ये फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का, सिक्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल ना कनाडा की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। पर ये आधी अधूरी कहानी है, क्योंकि अभी रिसेंटली ना डिलॉयट फर्म ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उनके हिसाब से कनाडा वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2006 में जो फोर्थ पोजीशन पर था, वो सीधा 2019 में 22nd पोजीशन पर गिर गया, क्योंकि ना वहां पर रेगुलेटरी में इतने चैलेंजेस हैं कि एक सिंपल वेयर हाउस की कंस्ट्रक्शन के परमिट लेने के लिए 249 डेज का समय लग जाता है। इसका मेन कारण ना OECD प्रोडक्ट मार्केट रेगुलेशंस ने बताया कि कनाडा की पॉलिसीज कंपटीशन को प्रमोट करने में लैग करती है, जैसे कि रिटेल प्राइस को कंट्रोल करने में ना बहुत समय लग जाता है, FDIs को इन्वेस्ट करने के लिए मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। इसलिए ना 2019 में जब बिजनेस काउंसिल ऑफ कनाडा ने सर्वे किया, तो उसमें ना 41% लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ना रेगुलेटरी बर्डन को कम करने के लिए वोट किया। इसी रीजन की वजह से आज कनाडा एज ऑफ हायरिंग फॉरेन लेबर में 81st रैंक में, लेबर पॉलिसीज में 22nd रैंक में और ओवरऑल कंपैरेटिवनेस में 12th रैंक पर आता है। इसके काफी बड़े एग्जांपल भी हैं, जैसे कि कनाडा कंप्यूटर और ड्रग्स के एक्सपोर्ट में सिर्फ 4% कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ 4%। तो इससे आप देख सकते हो कि यहाँ पर इमिग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि खुद के रेगुलेशंस में प्रॉब्लम है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ना मोस्टली इमिग्रेंट्स कनाडा में भारत से जाते हैं। अब जैसे ही कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस शुरू हो गया, तो इससे पहले महंगाई बढ़ी, जिसका नुकसान भी हम सब इमिग्रेंट से ही वसूला जाएगा, क्योंकि पहले IRCC मतलब इमिग्रेशन रिफ्यूजेस सिटीजनशिप इंडिया ने ना फीस स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया, चाहे अब स्टूडेंट्स हो, विजिटर हो, वर्कर्स हो, सभी के लिए फीस को बढ़ा दिया गया है। सेकेंडली GIC फीस, ये ना वो अमाउंट होती है जो कि सेपरेटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में डाली जाती है उनके डेली बेसिस के खर्चे के लिए। जो अमाउंट पहले थी $10,000, अब उसको भी बढ़ाकर $20,635 कर दिया गया है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि अगर आपने डीप डाउन जाकर रीड किया कि ये फंड्स जो कि है $10,000, उसमें से कनाडा की सरकार पर मंथ स्टूडेंट्स को $650 देती है डेली बेसिस के खर्चे के लिए। पर कनाडा के करंट सिचुएशन को देखते हुए
ये अमाउंट किसी एक चीज पर ही खर्च हो जाएंगे, चाहे अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, चाहे फूड। तो आप उस बात का अंदाजा इसी सिचुएशन से ही लगा सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट पर आए तो कैनेडा नेशनल स्टैटिस्टिकल एजेंसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट रेट कैनेडा में फिर से गिरा। नवंबर के महीने में तो काफी इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजेस को अपनी जॉब तक गंवानी पड़ी। But in May, it was harder for young people to find a job as companies posted fewer summer positions. What we're hearing from a lot of students is just that they're not finding the work that is going to help them make the ends meet. जैसे कि 23 साल का ग्रेजुएट जो कि भारत से कनाडा में शिफ्ट किया था 2018 में, पूरे 5 साल हो गए उसको वहां पर रहते हुए, पर आज तक उसको अपने रेलेवेंट फील्ड में जॉब तक भी नहीं मिली और करंटली वो एक मोबाइल स्टोर में काम कर रहा है। तो ऐसे आपको बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी कि कैसे स्टूडेंट्स वहां पर सफर कर रही हैं। इसके ना दो सोल्यूशन पॉसिबल है। नंबर वन, कनाडा को ना इमिग्रेशन को दोष देने के बजाय अपने ही रेगुलेशन को सुधारना चाहिए, जिसके लिए डेलॉयट फॉर्म ने ना 7 डिमेंशंस बताए हैं, जिसको आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। सेकेंड, अर्जेंटली उनको अपने हाउसिंग इश्यू को फिक्स करना ही होगा, क्योंकि अगर आप डेटा को ध्यान से देखो तो क्वालिफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के सेगमेंट में ना सिर्फ 0.1% वर्कर्स को ही एनुअली पीआर मिलती है। तो इसलिए अगर ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को इस फील्ड में प्रमोट किया जाएगा तो इमिग्रेंट्स के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसलिए अब मेरा आप सब लोगों से सवाल है कि क्या सच में इमिग्रेशन पर कैप लगाकर कनाडा अपने आप को इकोनॉमिकली सुधार सकता है? कमेंट डाउन योर व्यूज। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेस का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।